फिल्म की शुरुआत एक बस से होती है और साथ ही हमें एक बच्चे के अपहरण की खबर दिखाई जाती है। ये पहली बार नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ हो, बल्कि पिछले कुछ दिनों में कई बच्चों का अपहरण हो चुका है। इस वजह से पुलिस भी काफी सतर्क हो चुकी है। वहीं बात की जाए इस बस की, तो इसमें ऐसे लोग होते जो काफी फ्रस्ट्रेटेड और नेगेटिव स्वभाव के है, जैसे कि बस का ड्राइवर दांग, जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो काफी झगड़ालू किस्म का इंसान है। दूसरी तरफ एक लड़की रोजी, जो काफी घमंडी और अकड़ू है, जिसे उसके बुरे बर्ताव के चलते स्कूल से निकाल दिया गया। फिर लियो नाम का एक बिजनेसमैन है, जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और आखिर में हम जैक नाम के आदमी को भी देखते हैं, जिसने अपनी बेटी को खोया है। ये सभी लोग एक साथ इस बस में होते हैं और अब रास्ते में अचानक से दांग की आंख लग जाने की वजह से वो बस पर से अपना कंट्रोल खो बैठता है, जिससे उसकी बस एक पेड़ से टकरा जाती है। जीसी से उस बस में आग लग जाती है, जिसमें बहुत सारे यात्री मारे जाते हैं। अब अगले सीन में हमें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिस दिखाया जाता है, जहां जैक के दिमाग में मरे हुए सारे लोगों की मेमोरीज डालने की कोशिश की जा रही होती है, ताकि पुलिस असली कातिल का पता लगा सके। दरअसल पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिर बस में बैठा हुआ कौन सा शख्स बच्चों का अपहरण करके उन्हें मार रहा था। यहाँ डॉक्टर नामी जैक के दिमाग में मेमोरीज डालने में कामयाब हो जाती है। फिर जैक के होश आते ही हेनरी नाम का एक ऑफिसर, जिसे इस केस की पूरी जिम्मेदारी दी गई है, वो जैक से पूछताछ शुरू कर देता है, जहाँ जैक बस के ड्राइवर दांग की तरह बिहेव करने लगता है, जिस पर हेनरी दांग से पूछताछ करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही देर में जैक रोजी में बदल जाता है, जिस पर अब रोजी से सवाल किया जाता है। इसी तरह वो आखिर में लियो में बदल जाता है, जिससे भी बाकी लोगों की तरह सवाल किए जाते हैं। आप सभी में बदल जाने के बाद जैक खुद की याददाश्त में वापिस आ जाता है, जहाँ वो अपने आप को हेनरी के ऑफिस में देखकर थोड़ा डर जाता है। तब हेनरी उसे सारी बात समझाता है, लेकिन जैक को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता कि उसके अंदर बाकी लोगों की पर्सनैलिटी भी मौजूद है। इसके बाद डॉक्टर नामी जैक को पूरी बात समझाते हैं, जिससे जैक के दिमाग पर काफी प्रेशर पड़ता है, जिससे वो वहीं बेहोश होने लगता है। लेकिन नामी किसी तरह से जैक को वापस से होश में लाकर उसे उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है। फिर आगे हम देख पाते कि नामी का एक्सपेरिमेंट अब भी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है, क्योंकि नामी इस कोशिश में लगी थी कि सारी यादें एक ही समय पर जैक के दिमाग में रहे। दूसरी तरफ जैक को उसके सिर में कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जिन्हें वो जानता तक नहीं था, जो दरअसल दांग, रोजी और लियो की होती है, जिन तीनों की यादें जैक की यादों को धीरे धीरे खत्म करती जा रही होती है। वहीं उधर नामी जैक को वापस से अपनी लैब में आकर उसके ऊपर फिर से कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करती है, जिसकी कुछ देर बाद जैक को वापस से उसके कमरे में भेज दिया जाता है। लेकिन इस बार जैक को कुछ बड़े ही भयानक हेलुसिनेशंस होते हैं, जिसमें कि उसे इन तीनों के अलावा किसी चौथे शख्स की आवाज भी सुनाई देती है। फिर अगले दिन हेनरी जैक को वापस से पूछताछ के लिए बुलाता है, पर उस समय जैक खुद ही होश में होता है और उसे अपनी बेटी की बात याद आ जाती है कि वो कैसे खोई। इसलिए वो हेनरी और नामी से बार बार उसकी बेटी से मिलवाने की विनती करता है, पर हेनरी और नामी को जैक की बेटी के बारे में कोई भी खबर नहीं होती, इसलिए उसे कुछ समय मांगते हैं ताकि वो उसकी बच्ची को ढूंढ सके। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैक के दिमाग में बसे लोगों की आवाजें भी बढ़ती जाती है, जिनसे वो परेशान हो चुका था, क्योंकि हर कोई किसी न किसी से लड़ रहा होता है, जिसके कारण जैक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता, जिससे वो कमरे में रखी सारी चीजों को फेंकना शुरू कर देता है। उसी बीच जैक को किताबों के पास रखा एक कागज मिलता है, जिसमें कि दांग, रोजी और लियो का नाम लिखा हुआ था। दरअसल हेनरी ने ये सब जैक से शुरुआत में ही लिखवाया था, क्योंकि वो पता करना चाहता था कि आखिर जैक के अंदर कितने लोगों की यादें बसे। वहीं इधर हेनरी को जैक की बेटी को लेके एक सुराग मिल जाता है, इसलिए वो और भी तेजी से उन बच्चों को ढूंढना शुरू कर देता है। वहीं इस तरफ नामी जैक को एक दवा देती है, जिससे जैक का शरीर तो काम करना बंद कर देता है, पर उसका दिमाग पूरी तरह से एक्टिव रहता है। जीसी भी जैक की मुलाकात उसके दिमाग में लियो से होती है, जो जैक से इन आवाजों को शांत करने के बदले उसका शरीर मांगता है, जिस पर जैक उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को ढूंढना चाहता है। अब कुछ देर बाद अचानक से जैक के रूम में अलार्म बजने लगता है, जिस बात की जानकारी नामी को दी जाती है। तब नामी अकेले ही जैक के रूम में जाने के लिए निकल पड़ती है, जो आगे जाकर उसे भारी पड़ने वाला था, क्योंकि नामी को जैक के कमरे में वो कहीं भी नहीं दिखता, इसलिए वो उसे ढूंढना शुरू कर देती है। पर तभी पीछे से जैक उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसी समय हेनरी भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर जैक नामी को मोहरा
बनाकर बाहर निकल जाता है। वो अब बाहर निकलकर भागने वाला था, पर इस पर नामी भी उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, जो बात जैक को काफी अजीब लगती है। लेकिन वो ज्यादा ना सोचकर नामी को भी अपने साथ ले जाता है। वो दोनों अब एक कार से भागने लगते हैं, जहां उनके पीछे हेनरी भी होता है। पर उसी समय जैक दांग में बदल जाता है, और जैसे कि हम जानते हैं कि दांग एक ड्राइवर था, तो वो अपनी ड्राइविंग स्किल का प्रयोग करके हेनरी को चकमा दे देता है। अब काफी दूर पहुंचने के बाद वो उस घमंडी लड़की रोजी में बदल जाता है, जिसे कार चलानी बिल्कुल भी नहीं आती। इसलिए रोजी कार की स्टीयरिंग छोड़ देती है, जो देखकर नामी किसी तरह से कार को कंट्रोल करती है। पर अगले ही पल रोजी वापस से दांग में बदल जाती है, जहां दांग नामी से उसकी दादी की मदद करने को कहता है, जो पिछले कुछ सालों से कोमा में है। फिर वो लोग दादी को हॉस्पिटल ले जाने लगते है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके अंदर बदलाव होता है, जिससे वो फिर से रोजी में बदल जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार का दुर्घटना हो जाता है, जिसमें जैक काफी जख्मी होता है। अब नामी पहले तो जैक को छोड़कर वहां से जाना चाहती थी, लेकिन उसे जैक पर दया जाने के कारण वो उसकी मदद करती है। तभी जैक उसे वापस से पकड़ लेता है और नामी से अपनी बेटी का पता पूछने लगता है, जिस पर नामी बताती है कि मैंने भी अपने बेटे को खोया है, और जिस तरह तुम अपनी बेटी को ढूंढ रहे हो, ठीक उसी तरह मैंने भी 2 साल पहले अपने बेटे को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला, और यही कारण है कि मैं तुम्हारे साथ आ गई, ताकि हम दोनों अपने बच्चों को ढूंढ सके, जो ये बताकर वहीं बेहोश हो जाती है। पर अब जब उसकी आंखें खुलती तो वो अपने आप को एक घने जंगल के बीच में बिल्कुल अकेला पाती है। फिर कुछ दूर जाते उसे जैक दिखाई देता है, जिसे कुछ लोग पीट रहे होते हैं। वो सभी जैक से बहुत सारे सवाल करते हैं, जिस पर जैक उन्हें कोई जवाब नहीं देता। तब अंत में वो सभी फैसला करते हैं कि वो जैक को मार देंगे। इसलिए अब एक शख्स जैक को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसी समय जैक के अंदर उस चौथे शख्स की पर्सनैलिटी हावी हो जाती है, जो उन सभी को एक एक करके जान से मारना शुरू कर देता है। अब ये देखकर नामी बिल्कुल दंग रह जाती है, क्योंकि जैक किसी ट्रेन फाइटर की तरह लड़ रहा होता है। सभी को अब मारने के बाद जैक वहां रखे सारे पैसे लेकर जाने ही वाला था, लेकिन तभी नामी भी वहां आकर उसे साल ले चलने की विनती करती है। इसलिए फिर वो दोनों वापस से आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ी दूर जाने पर नामी जैक से इस जगह के बारे में सवाल करती है, लेकिन उस समय जैक के दिमाग पर लियो की पर्सनैलिटी छाई होती है, जो नामी को बताती है कि अभी हमारा सामना जिन लोगों से हुआ, वो लोग छोटे बच्चों का अपहरण करके उन्हें इस जगह पर लाकर बेच दिया करते, जिसके बदले उन्हें काफी सारे पैसे मिल जाते, और रोजी भी उन्हीं में से एक थी, जो कॉलेज ड्रॉप आउट होने के कारण उसके पास पैसों की काफी कमी थी, इसलिए वो बच्चों का अपहरण करके उन्हें यहाँ बेच देती। पर अब इससे पहले कि लियो कुछ और बता पाता, वो रोजी में बदल जाता है, जिस पर नामी अब वापस से कार को संभालती है। वो अब रोजी से उसके और जैक के बच्चों के बारे में पूछती है, जिस पर रोजी बताती कि शायद उसने ऐसे दिखने वाले बच्चों को पकड़कर बेच दिया था, जिस पर अब नामी उसे उस जगह का पता मांगती है जहां रोजी ने बच्चों को बेचा था। अब इसके जवाब में रोजी बताती कि अब तक दोनों बच्चे तो मर चुके होंगे, और यदि वो जिंदा भी हुए तो वो लोग कहां होंगे, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। जिसकी ये बातें सुनकर नामी को सदमा सा लगता है, जिस कारण वो कार की स्टीयरिंग से अपना हाथ हटा देती है, और कंट्रोल खोने से उनकी कार पुल को तोड़ते हुए नदी में जा गिरती है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी को उसके अधिकारियों के द्वारा इस केस को जल्दी से सॉल्व करने का लगातार प्रेशर दिया जा रहा था, इसलिए वो जैक की तलाश करते हुए जगह तक जा पहुंचता है, जहां कुछ देर पहले जैक ने कुछ लोगों को जान से मारा था। अब वहां पहुंचकर हेनरी को ही सुराग ढूंढने लगता है, और ढूंढते वो एक पुरानी बंद पड़ी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक जा पहुंचता है, जहां अचानक से उसकी नजर वहां लिखे नंबर पर जाती है, जो 413 होता है, और ये नंबर कई बार उसने जैक के मुंह से सुन रखा था, इसलिए वो चेक करने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जाता है। उधर कार दुर्घटना के बावजूद भी जैक और नामी दोनों सही सलामत बच जाते हैं, और इस समय जैक के ऊपर किसी और की पर्सनैलिटी हावी नहीं होती, इसलिए वो अपने होश में होता है। अब इसके बाद नामी उसे रोजी और लियो की बातें बताती है, जिससे वो भी काफी टूट जाता है। तब नामी उसे समझाती है कि अभी उन्हें हार नहीं माननी चाहिए, क्या पता उनके बच्चे अब भी जिंदा हो। वहीं हेनरी को प्लांट के अंदर जाने पर सब पता चल जाता है कि अब तक जितने भी बच्चे गायब हुए और बस के साथ जो दुर्घटना हुई, ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था, और इन सबकी प्लानिंग इसी जगह से की गई थी। अब इतनी बड़ी लीड मिलने के बाद हेनरी तुरंत ही नामी और जैक को ढूंढने में लग जाता है, जबकि इस तरफ नामी जैक के कहने पर उसे बांधकर इंजेक्शन से एक दवा देती है, ताकि उसके अंदर की सारी पर्सनैलिटी को एक साथ बाहर लाया जा सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैक अपने दिमाग में उन सभी लोगों को ढूंढ रहा है, जहां उसको दांग छुपते हुए दिखाई देता है। जैक अब उसके पास
जाकर छुपने का कारण पूछता है, जिस पर दांव किसी जिन का नाम लेकर वहाँ से भागने लगता है, जिसकी कुछ देर बाद उसकी चीखने की आवाज सुनाई देती है। और जब तक जैक वहाँ पहुँचता है तब तक दांव मर चुका होता है, जिसका मतलब ये कि दांव की पर्सनैलिटी अब मर चुकी है। फिर थोड़ी देर बाद जैक को लियो की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और आगे जाकर वो देखता है कि लियो भी मारा जा चुका है, यानी कि अगला नंबर रोजी का है। इसलिए वो रोजी को ढूंढना शुरू करता है जो उसे मिल भी जाती है। यहाँ जैक रोजी से कातिल के बारे में पूछता है, जिस पर रोजी रिवील करती है कि तुम्हारे दिमाग में तीन लोग नहीं बल्कि चार लोगों की यादों को डाला गया था, जिसमें दांग, लियो और रोजी के अलावा जिन नाम का एक और शख्स भी शामिल था जो उस बस का सबसे लास्ट पैसेंजर था और उसने हम सबकी मौत पहले से प्लान करी थी। वो आगे ये भी शेयर करती कि किसी ने भी आज तक उसका चेहरा नहीं देखा और वो बस में लियो और रोजी को उनके काम के पैसे देने वाला था। दरअसल उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो सभी को एक जगह पर इकट्ठा करके मार सके, जिससे उसके खिलाफ कोई सबूत ना बचे, यानी कि जिन्हें उन बच्चों का अपहरण करवा कर उन्हें मार देता था। वो अभी सब बता ही रही थी कि तभी पीछे से जिन आकर रोजी का गला काट देता है, जो देख कर जैक डर के मारे वहां से भागने लगता है। इस पर अब जिन उसका पीछा करने लगता है, जहां आखिर में वो लोग एक कमरे में एक दूसरे के सामने होते हैं। अब जैक जिन से उसके बारे में पूछता है, जिसके जवाब में जिन जैक को असली कातिल कहते हुए बताता है कि तुमने ही अपनी बेटी और पत्नी की हत्या करी है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैक और उसकी पत्नी के बीच अपनी बेटी को लेकर बहस हो रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर सफेद दाग होते हैं जो जैक के पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए वो उसे मार देने को कहती है, लेकिन जैक ऐसा नहीं करता, जिससे अब उनके बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो गुस्से में आकर अपनी पत्नी को मार देता है, जिस जुर्म के लिए उसे जेल हो जाती है। और जेल में जैक की मुलाकात जिन से होती है और इसी बीच जैक को एक दिमागी बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी के वजह से वो जिसके साथ रहता है उसी की तरह सोचना और रहना शुरू कर देता है। और सिंस वो जिन के साथ दो साल तक एक ही सेल में कैद था, इसलिए वो जिन जैसा बन जाता है। फिर जेल से छूटने के बाद वो कुछ हद तक तो ठीक हो गया था, लेकिन कभी कभी उसके ऊपर जिन की पर्सनैलिटी हावी हो जाती है। और हमने जब जैक को जंगल में उन गुंडों को जान से मारते देखा, वो दरअसल जिन की पर्सनैलिटी थी। अब इतना सब बताने के बाद जिन जैक के ऊपर हमला करके उसका शरीर कब्जा करने की कोशिश करता है, जिसमें वो जैक को घायल तो कर देता है लेकिन उसे मार नहीं पाता। इतने में ही दवा का असर कम होने लगता है, जिससे वो वापस से होश में आ जाता है, लेकिन इस बार जैक की जगह जिन होता है, जो नामी के सामने जिन की तरह एक्टिंग करता है ताकि उसे कोई शक न हो। वो अब नामी को गुमराह करते हुए बताता है कि मुझे पता चल चुका है कि हम दोनों के बच्चे कहाँ है, इसलिए वो दोनों एक पुरानी बंद फैक्ट्री में जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हेनरी को भी उस वाटर प्लांट से जैक की बेटी का असली पता मिल गया था, इसलिए वो भी उसे लेकर उसी फैक्ट्री में नामी का पीछा करते हुए जा पहुंचता है। यहाँ जिन जैक की बेटी को देखते उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, जिस पर हेनरी पहले तो उसके पैरों पर गोली चला देता है और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह से घायल कर देते हैं, जहां अंत में जिन हेनरी के पेट में कांच का टुकड़ा घुसा देता है, जिससे हेनरी मरता तो नहीं पर वो बेहोश हो जाता है। वहीं जिन को लगता है कि उसने हेनरी को मार दिया, इसलिए वो जैक की बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जहां अब नामी उस बच्ची को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जिन उस बच्ची को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। तब अपनी बेटी की चीख सुनकर जैक, जो अपने ही दिमाग में जख्मी होकर पड़ा था, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जिन की पर्सनैलिटी पर हमला करके अपने शरीर पर वापस से कंट्रोल पा लेता है, जिसके बाद वो नामी को अपनी बंदूक देकर विनती करता है कि तुम मुझे खत्म कर दो। दरअसल जैक को पता था कि आज नहीं तो कल जिन की पर्सनैलिटी फिर से उसके ऊपर हावी हो जाएगी, इसलिए नामी ना चाहते हुए भी उसे गोली मारने के लिए तैयार हो जाती है। तब जैक आखिरी बार अपनी बेटी से गले मिलता है, जिसकी बाद नामी जैक को शूट करके खत्म कर देती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम पुलिस को देखते हैं, जिन्हें उस फैक्ट्री में बहुत सारे बच्चों के साथ साथ नामी के बेटे के भी अवशेष मिल जाते हैं। जीसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब बात करें इस मूवी के, तो शहर में लगातार बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आ रही है, जहां उन बच्चों का अपहरण करके मारने वाला शख्स जिन ही था, जिसके साथ कहीं ना कहीं रोजी और लियो भी शामिल होते हैं। लियो जो कि एक बिजनेसमैन था, वो इस काम में इसलिए शामिल था ताकि बच्चों की अंगों की तस्करी करके काफी पैसे कमाए जा सके। वहीं पास में जैक नाम का एक आदमी, जो अपनी पत्नी को मारने की वजह से जेल में सजा काट रहा था, उसकी मुलाकात जिन से होती है, जो खुद भी उस जेल में था। वहीं मूवी में तो ये नहीं बताया गया है कि पास में जिन ने आखिर ऐसे कौन से अपराध किए थे जिसकी वजह से उसे जेल हो गई, लेकिन हमें ये जरूर बताया गया कि
की जेल से छूटने के बाद जिन ही वो शख्स था जो बच्चों का अपहरण करके उन्हें मार दिया करता था, और इसकी पूरी प्लानिंग वो एक पुराने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में किया करता था। हालांकि जेल में जिनके साथ रहने के कारण जय के ऊपर भी उसका काफी गहरा असर पड़ा और वो खुद भी जिनकी तरह बर्ताव करने लगा। याने की बीमारी के चलते उसके अंदर जिन की पर्सनैलिटी डेवलप हो गई। इसी क्रम में जैक, जो अपनी बेटी के गायब होने की वजह से बहुत परेशान था, वो एक बस में कहीं जा रहा होता है जिसमें बाकी यात्रियों के साथ रोजी, लियो और जिन भी मौजूद होते हैं, जहां जिन सबसे आखिर में बैठा था, पर ड्राइवर की लापरवाही के चलते उनकी बस का दुर्घटना हो जाता है। तब हेनरी की विनती पर जैक के दिमाग में दांग, लियो, रोजी और जिन की यादें डाल दी जाती है, क्योंकि हेनरी को उन्हीं चारों पर शक था, जहां बाद में जिन का अपराध सामने आ जाता है। और सिंस वो जैक के ऊपर हावी हो सकता था, इसलिए जैक ने नामी के हाथों खुद को गोली मरवा ली। जीसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी वहीं समाप्त हो गई। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों।